मेरी जानू मुझे तैयार करती रहती है हमेशा। क्या बात है, हॉस्पिटल भी आपका एक अड्डा हो गया। तुम्हारी आ गई। राखी जी क्या बात है, हॉस्पिटल भी आपका एक अड्डा हो गया। सच बताओ आज जी? बहुत खूबसूरत लग रहे हो क्या जी? आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, ये जो है ना मेरी गुड़िया, मेरी जानू मुझे तैयार करती रहती है हमेशा। नहीं, एक्चुअली एक शूट था थोड़ा, और वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ से घर जाने का मौका नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल आई हूँ मॉम से मिलने। अब ऊपर जाऊँगी तो आंखें सूज जाएगी रो रो के। दिन रात रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है मुझे। आपको बाइट लेनी है? हाँ। आ जाइए, थोड़ा सा दूर रखेंगे प्लीज। लवली राखी जी, अगर आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की तबीयत रोज आती हूँ हॉस्पिटल में बैठ के रोती हूँ, रोज रोती हूँ, खुदा से कहती हूँ कि क्यों इसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं, क्या आपके स्वर्ग में एक थोड़ी सी जगह नहीं है? प्लीज, जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम आराम तो मिले। तो किडनी से लेकर बॉडी, सर से लेकर पूरा हाथ पैर फेस इतना सूज गया है, इतना सूज गया है। संग तू संग अभी शाम को फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया है, जैसे कि अभी दो दिन आईसीयू में थे बट वेंटिलेटर निकाल दिया था, बट आज शाम को फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया है। तो डॉक्टर का कहना है कि कंडीशन क्रिटिकल और ज़्यादा होती जा रही है। हम कल रात को भी 2 बजे आए थे, रात रात भर भागती रहती हूँ, पता नहीं कथा नहीं क्या होगा। दुआ करते हैं मैम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। क्या पटकन, अभी कब से आप खड़े हो? मैं हॉस्पिटल के बाहर ट्रैफिक नहीं कर सकती हूँ, प्लीज। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।